Students of class 4th, assalamu alaikum. Hope you all are well in your home and taking care of your health. Dear learners, today our topic is find the products. तो बच्चों कल भी हमारा यही टॉपिक था, इसके हमने चार क्वेश्चन किए थे, तो आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5. तो सब बच्चे अपनी बुक्स अपने सामने रखेंगे, पेज नंबर 87 निकालें आप. पेज नंबर 87 का क्वेश्चन नंबर 5 हमने करना है. क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या पूछता है, ए वुमेन सेव्स आरएस 260 एवरी मंथ, हाउ मच मनी विल शी सेव इन 5 इयर्स. सवाल है हमारे पास, ए वुमेन सेव्स आरएस 260 एवरी मंथ, एक औरत 260 रुपए मतलब सेव करती है हर महीने में, हाउ मच मनी विल शी सेव इन 5 इयर्स, कितने पैसे वो 5 सालों में जमा करेगी, सेव करेगी. तो फिर से मैं रिपीट करूंगी, ए वुमेन सेव्स आरएस 260 एवरी मंथ, एक औरत हर महीने में 260 रुपए सेव करती है, हाउ मच मनी विल शी सेव इन 5 इयर्स, 5 सालों में उसके पास कितने पैसे सेव होंगे. तो इसको हमने आंसर निकालना है, सालो करेंगे इसको, हमको हमने करना है 260 इंटू 12 इंटू 5, ऐसे इसको करना है. ठीक है, अब हम करेंगे 260 इंटू 12. सबसे पहले हम करेंगे 260 इंटू 12. 2 का टेबल हम पहले पढ़ेंगे, 0 को जिसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आएगा, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 1 कैरी जाएगा, 2 2 जा 4, प्लस 1 हो जाएगा 5. ठीक है, अब दूसरे के साथ हम करेंगे 1 0 0, 1 को जिसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो वही डिजिट आएगा, 16 आर 6, 12 आर 2. अब इसको हम ऐड करेंगे, 0, 2, 5 और 6 कितना हो गया बच्चों, 11, 1 यहां पे जाएगा, 1 कैरी, 2, 2 प्लस 1 हो गया 3. हमारे पास आंसर कितना आ गया, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, इंटू 5. ठीक है, 5 0 आर 0, 5 2 आर कितना हो जाएगा 10, 0 लगेगा, 1 कैरी जाएगा, 5 1 जार 5, प्लस 1 हो गया 6, 5 3 जार 15. तो ये हमें आंसर आ गया. तो हमारे पास उस औरत ने कितना सेव किया, 5 इयर्स, सेव इन 5 इयर्स कितना आ जाए?